بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ये बड़े मुश्किल से इंटर पास हुआ है, मैं कैसे इसको लड़की दूं? ये सोचता है लड़की का बाप, और ये मिस बैलेंसिंग होने की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। लड़की का जो तालीमी मेयार है वो लड़कों का तालीमी मेयार न होने की वजह से आज निकाह मुश्किल होते जा रहा है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. اسٹیج پر تشریف فرما، صدر جلسہ، علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران، بزرگان دین، مائیں بہنوں، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امن کی زندگی عطا فرمائی، امن کا ملک عطا فرمایا، امن کا شہر عطا فرمایا اور امن کی زندگی عطا فرمائی. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرح مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، نکاح کو کیسے آسان کریں، مرکزی عنوان امن کا پیغام انسانیت کے نام سے ہے، اور یہاں پر نکاح کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ بیان کرنا ہے. تو ہمارے اس مرکزی عنوان سے اور ہمارے اس عنوان سے دونوں کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے. دوستو، آدمی زندگی میں سکون چاہتا ہے، آدمی زندگی میں چین چاہتا ہے، آدمی زندگی میں راحت چاہتا ہے. تو جہاں اس کو ایک امن والا ملک چاہیے، جہاں اس کو امن والا شہر چاہیے، جہاں اس کو امن والا محلہ چاہیے، وہیں پر اس کو امن والا گھر بھی چاہیے. اگر انسان کے پاس امن والا ملک ہے، اگر آدمی کے پاس امن والا شہر بھی ہے، اگر آدمی کے پاس امن والا محلہ بھی ہے،
लेकिन अगर आदमी के पास अमन वाला घर ना हो तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आदमी सारी दुनिया से लड़ सकता है, मुस्कुराता हुआ वापस अपने घर को लौट कर आ सकता है, अपनी तिजारत में बड़े बड़े नुकसान को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर को आ सकता है, लेकिन अगर घर में उसका टेंशन है, घर में उसका इख्तलाफ है, घर में उसकी लड़ाइयां हैं, घर में उसकी बेचैनी है, तो फिर उसको कहीं भी चैन नहीं मिल सकता है। वो चैन हासिल करना भी चाहे तो चैन उसको नहीं मिल सकता है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमन का पैगाम है वो मुल्क के लिए भी है, वो शहर के लिए भी है, वो हमारे गली मोहल्ले के लिए भी है, और इन सब से बढ़कर हमारे अपने घरों के लिए भी है। दोस्त, अगर हमारे घरों में शांति नहीं, अगर हमारे घरों में सुकून नहीं, तो फिर कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता है। जरा देखें उस बाप को, जरा देखें उस माँ को जिस घर में चार चार बेटियां बड़ी होकर बैठी है, क्या वो सुकून की नींद सोते हैं? क्या वो मजे लेकर खाना खाते हैं? क्या वो खुशी से दावत में शिरकत करते हैं? क्या वो आंख भर जो है वो सोते हैं? नहीं दोस्तों, जिस घर में चार बेटियां बड़ी होकर बैठी हैं, जिस घर में तीन बेटियां बड़ी होकर बैठी हैं, जिस घर में दो बेटियां बड़ी होकर बैठी हैं, उनके माँ बाप का सुकून जो है उनको नसीब नहीं, उनको नींद भर जो है आंख भर नींद उसको नसीब नहीं, फिक्रमंद होते हैं, दुआएं करते रहते हैं, अचानक 12 बजे नींद बेदार हो जाते हैं, अचानक 2 बजे उनकी नींद होशियार हो जाती है, अचानक वो 3 बजे बेदार हो जाते हैं। याद बेटी की आती है, फिक्र बेटी के साथ आती है, जिंदगी बेटी के साथ आती है, निकाह बेटी का सताता है, और जो है रिश्ता बेटी का सताता रहता है, बेचैन हो जाते हैं, कभी राइट करवट लेटने पर मजबूर होते हैं, कभी लेफ्ट करवट लेटने पर मजबूर होते हैं, कभी आंख खोलकर अपनी छत को ताकते रहते हैं, कभी वो बस जो है अपने बिस्तर पर लुढ़कते लुढ़कते सुबह कर जाते हैं, लेकिन चैन नसीब नहीं होता है। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम अमन को लाना चाहते हैं तो हमारे माशरे के अंदर जहां बहुत सारी फिक्र लगी हुई है, वहां पर एक सबसे बड़ी फिक्र निकाह भी है। दोस्तों, तिजारत के बारे में फिक्रमंद जरूर है, लेकिन उतने ज्यादा फिक्रमंद नहीं जितना के बेटियों के बारे में फिक्रमंद होते हैं। घर के बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन अपने बेटियों से बढ़कर घर नहीं हो सकता है। कारोबार के बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन अपने बेटियों से बढ़कर कारोबार नहीं हो सकता है। तालीम के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बेटियों से बढ़कर तालीम नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा मसला हमारी बेटियों का है, सबसे बड़ा मसला हमारी बहनों का है, सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में तय होने वाले रिश्तों का है। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि भाई निकाह को आसान कैसे किया जा सकता है। छोटे छोटे नुकात में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, ये मुश्किल है क्यों? रिश्ता मुश्किल क्यों होते जा रहा है? निकाह मुश्किल क्यों होते जा रहा है? शादी मुश्किल क्यों होते जा रही है? क्यों ये मुश्किल हमने इसको बना रखा है? कैसे मुश्किल हमारे पास हो चुकी है? सबसे पहली बात दोस्तों, माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। अगर माहौल अगर हमारे मुआफिक है तो काम करना बड़ा आसान होता है, अगर माहौल साजगार नहीं है तो काम मुश्किल हो जाता है। माहौल अगर है रमजान का तो रोजे रखना सबके लिए आसान है, माहौल अगर जकात देने का है जकात देना बड़ा आसान है, माहौल अगर नमाज पढ़ने का है नमाज पढ़ना आसान है, माहौल अगर जो है नेकियों का है नेक काम करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर माहौल नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो आज भी हमारे माशरे के अंदर आसान निकाह करने का माहौल नहीं है। हमारा बच्चा तालीम हासिल करने जाता है, स्कूल से बढ़कर हाई स्कूल में जाता है, उसको नहीं समझाया जाता कि निकाह क्या होता है, उसको नहीं समझाया जाता आसान क्या होता है, उसको नहीं बताया जाता दीन क्या होता है, उसको नहीं बताया जाता सुन्नत क्या होती है, उसको नहीं बताया जाता, कोई माहौल ही उसको नजर नहीं आता है। और आ
आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज में चला जाता है, उसको नहीं बताया जाता। यूनिवर्सिटी में चला जाता है, उसको नहीं बताया जाता। तो गोया आज हमारे बच्चे स्कूल से बढ़कर कॉलेज में, कॉलेज से बढ़कर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन उसको दीन क्या है पता नहीं चलता। निकाह आसान कैसे करें उसको नहीं बताया जाता। तो उसको माहौल का जो है, माहौल को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, इसके लिए निकाह मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है। और आज माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा है। देखता है नौजवान भाई, ये देखो, ये हमारे अम्मा ये लड़ती रहती है, हमारा बाबा ये लड़ते रहते हैं, इनकी लड़ाई, इनके झगड़े, इनके रोज रोज के टेंशन से बच्चा बेजार हो जाता है और सोचता है कि भाई ऐसे लड़ाई में मैं निकाह करके क्या करूंगा, ऐसे इख्तलाफात में निकाह करके मैं क्या करूंगा। यही सोचने पर आज मजबूर है नौजवान दोस्तों। माँ की लड़ाई को देखता है, बाप की लड़ाई को देखता है, माँ के इख्तलाफ को देखता है, बाप के इख्तलाफ को देखता है, इनको देखकर परेशान रहता है, जिसकी वजह से साजगार माहौल नहीं होता है। और साजगार माहौल न होने की वजह से निकाह उसका मुश्किल नजर आता है। और दोस्तों आज हमारे पास निकाह के मुश्किल होने की एक दूसरी वजह यह भी है कि एजुकेशन के अंदर मिस बैलेंसिंग हमारे पास है। दोस्तों आप देखेंगे हमारी लड़कियां स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाती हैं, कॉलेज से निकल कर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई एमए कर रही है, कोई एमकॉम कर रही है, कोई बीए कर रही है, कोई बीकॉम कर रही है, कोई बीएड कर रही है, कोई जो है हाँ एमएड कर रही है, कोई बी फार्मेसी कर रही है, कोई एमबीबीएस कर रही है। हमारी घर में रहने वाली हर बच्ची तालीम में आगे बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन हमारा बच्चा बड़ी मुश्किल से 7 तक पहुंच जाता है, हमारा बच्चा बड़ी मुश्किल से 10th पास करता है, हमारा बेटा बड़े मुश्किल से वो इंटर कर लेता है, उसके बाद वो कोई किराना दुकान खोलना चाहता है, कोई पान डब्बा खोलना चाहता है और कोई होटल खोलना चाहता है। अब हमारे सामने दोनों के दोनों जो है हाल पाए जाते हैं, इधर लड़की एमकॉम है, इधर लड़की एमएड है, इधर लड़की बीएड है, इधर लड़की बी फार्मेसी है, इधर लड़की एमबीबीएस है, इधर लड़का 10th है, इधर लड़का इंटर फेल है। तो जाहिर बात है एक लड़की का बाप सोचता है कि जिस लड़के का रिश्ता मेरी लड़की के लिए आया है वो 10th बड़ी मुश्किल से पास है, मैं कैसे दूं मुलसा, ये बड़ी मुश्किल से इंटर पास हुआ है, मैं कैसे इसको लड़की दूं, ये सोचता है लड़की का बाप। और ये मिस बैलेंसिंग होने की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। लड़की का जो तालीमी मेयार है वो लड़कों का तालीमी मेयार न होने की वजह से आज निकाह मुश्किल होते जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि लड़की को तालीम मत दो, हम ये कहते हैं जितनी तालीम लड़की को देते हो उतनी तालीम लड़के को दो, ताकि दोनों के अंदर बैलेंस पैदा हो जाए, निकाह आसान हो जाए। आ कुछ माँ बाप वो तय कर लेते हैं कि चलो ठीक है, लड़का अगर कम भी पड़ा है तो भी राजी हो जाते हैं, लेकिन राजी होने के बाद निकाह हो जाता है, लड़की की सोच जरा आला होती है, लड़के की सोच जरा कम होती है, फिर लड़ाई नतीजे में लड़ाई शुरू हो जाती है, इख्तलाफ हो जाता है और निकाह मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे माशरे की तालीमी मिसबैलेंसिंग भी परेशान करके रख देती है दोस्तों, इस वजह से निकाह मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे माशरे के अंदर निकाह के मुश्किल होने की वजह यह भी है कि आज जो है हाँ यार सारी की सारी नजरें सिर्फ जो है शक्ल और सूरत पर ही टिकी हुई है दोस्तों। आज अगर किसी पामा सेंटर में जाएंगे, ये देखेंगे लड़कियों के जो है यहाँ पर बायोडाटा, ये लड़कियों के बायोडाटा की फाइल लगी हुई है, इधर लड़के की बड़ी मुश्किल से एक बायोडाटा भरा हुआ है, एक फाइल भरी हुई है, बस पड़ी हुई है। इधर से लड़की चुनने के लिए एक औरत आती है, आकर जो है इस लड़की को देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, 400 फोटो देखती है एक औरत, लेकिन एक लड़की उसको पसंद नहीं आती है। उसकी नजर सबसे पहले रंग पर होती है, उसकी नजर सबसे पहले नाक पर होती है, उसकी नजर सबसे पहले हाइट पर होती है, उसकी नजर सबसे पहले जो है उसके शक्ल सूरत पर होती है, उसकी नजर उसके भाइयों पर होती है, उसकी नजर उसके बाप पर होती है, उसकी नजर उसके माली स्टेटस पर होती है। आज का जो भी जो है नजरिया है, आज हमारी माए
चाह रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो सबसे पहले रंग रूप को ही देखकर उसको इनकार कर देती है। ये नहीं देखते कि भाई नमाजी है या नहीं, ये नहीं देखते कि दीनदार है या नहीं, बस सारा का सारा रिश्ता शक्ल और सूरत पर टिका हुआ है दोस्तों। और शक्ल सूरत की वजह से ये रिश्तों को रद्द किया जा रहा है। जिस औरत ने 400 फोटो को रद्द करके छोड़ा, जो औरत अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रही है, जरा अपने जमीर पर हाथ रखकर सोचें, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें, जैसी लड़की ये देखना चाहती है, जैसी लड़की को बहू बनाकर लाना चाहती है, क्या वैसी लड़की उसने पैदा किया है? क्या इसकी बेटी वैसी है जैसे लड़की तलाश करने जा रही है? जैसे जहे रंग देखना चाहती है वैसे बेटी का उसका रंग है? जैसे नाक तलाश करने जाती है, क्या उसके बेटी ऐसे रंग जो नाक है, क्या उसका बेटे का रंग वैसा है? नहीं है दोस्तों, अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, कैसी काली कलर की कुछ भी रहो, अपनी बेटी सेफ। और दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वाली औरतें, जिसकी वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। रंग को देखकर रद्द किया, माल को देखकर रद्द किया, घर को देखकर रद्द किया, वो किराए के मकान में रहते हैं, सलम एरे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, रद्द कर देते हैं, तो ये रंग रूप का मसला आकर हमारी सोसाइटी के निकाह को मुश्किल बनाते हुए जा रहा है। और दोस्तों हमारे जो है माशरे के अंदर एक जो है निकाह के मुश्किल होने की वजह इलाकाई मसला भी है दोस्तों, एरिया वाइज हमारा मसला भी है। हाँ, लड़की जो है लड़की वाले हैदराबाद में, लड़के वाले हैदराबाद में है। अब रिश्ता आता है करीम नगर से, अब रिश्ता आता है यहाँ से जो है गोदावरी खनी से। अई लड़का गोदावरी खनी का है? नहीं माँ, नहीं होता, इतनी दूर कौन जा सकता। हाँ लड़का जो है कर्नाटक का है? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, इतना दूर तो नहीं हो सकता है। लड़की जो है वो महाराष्ट्र की? नहीं नहीं नहीं, इतना दूर तो नहीं हो सकता है। यानी हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अपने मोहल्ले में हो जाए, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अपने गली में हो जाएं, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अपने गांव में हो जाएं, अपने शहर में हो जाएं, जिसकी वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। दूसरे गांव का है प्रॉब्लम, दूसरे शहर का है प्रॉब्लम, दूसरे स्टेट का है प्रॉब्लम, जबान दूसरी है प्रॉब्लम, ये इलाकाई प्रॉब्लम्स की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है दोस्तों, निकाह मुश्किल से मुश्किल होते जा रहा है। और हमारे निकाह के मुश्किल होने की वजह ये भी है कि भाई इधर से लड़की वाले लड़की को लड़के को पसंद करे, इधर लड़के वाले लड़की को पसंद करे, मंगनी हो जाती है, और मंगनी होने के बाद भी 2 साल 1 साल का बीच में गैप रखा जाता है। हमारा लड़का मंगनी तो कर लेगा लेकिन बाहर जाके फिर निकाह करेगा, 1 साल जाकर आएगा, 2 साल जाकर आएगा, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करेगा, वो अपना एमबीए पूरा करेगा, वो एमबीए पूरा करेगा, उसके बाद निकाह किया जाएगा। तो ये मंगनी के बीच, मंगनी के बाद निकाह के लिए जो गैप रखा जाता है ना, ये गैप की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। अब ये लड़की को पसंद कर लिया, मंगनी हो गई, जैसी मंगनी हो जाती है बातचीत पक्की हो जाती है, अब लड़के के सामने और एक लड़की का रिश्ता आ जाता है जो इससे और ज्यादा खूबसूरत उसको लगती है, और मालदार लगती है, और उसको अच्छी लगती है। तो ये इत्तेफाक ऐसा होता है जब एक जो है एक जगह रिश्ता तय होने के बाद जितना क्या पता जाता ना, उतने ही ज्यादा उसको ऑफर्स आना शुरू कर देते हैं। लड़की एक से एक जो है उसको पेशकश की जाती है, इधर लड़का एक से एक उसको पेशकश किया जाता है, अब अफसोस करता है कि काश मुझे जल्दी मंगनी नहीं करना था, मुझे जल्दी बातचीत नहीं करना था, और जरा लेट करना था, और जरा वेट करना था, और जरा इंतजार करना था। इसमें वो जो है वो फिक्रमंद हो जाता है। अगर समझदार है तो चलो हो गया करके निकाह कर लेता है, लेकिन जहन उसका उससे मुतमइन नहीं होता है। तुमसे अच्छी लड़की का रिश्ता आया था मुझे, लेकिन जो है तुमसे करना पड़ा। तुमसे मालदार लड़की का रिश्ता आया था मुझे, लेकिन तुमसे करना पड़ा। वो ताने देना शुरू कर देता है, वो लान तान करना शुरू कर देता है, दिल उसे नहीं मिलता है, मोहब्बत नहीं करता है, जिसकी वजह से निकाह अगर हो जाता है तो भी परेशानी, और अगर वो अनपढ़ है तो रिश्ता तोड़ देता है दोस्तों।
कि निकाह और मंगनी के दरमियान का जो गैप है, इस गैप की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। और निकाह के मुश्किल होने की वजह ये भी है कि जो है आज निकाह को ताखिर से किया जाना भी निकाह के लिए मुश्किल होते जा रहा है। लोग कहते हैं, नफ्सियात के माहिरिन का कहना यह है कि 17 साल से लेकर 23 साल के दरमियान जो उम्र होती ना, इसमें हार्मोन ज्यादा क्रिएट होते हैं, हार्मोन ज्यादा पैदा होते हैं, वो निकाह का मोहताज होता है, निकाह का ख्वाहिशमंद होता है। 17 और 23 साल के दरमियान में जो भी लड़की उसको पेश की जाती है वो फौरन पसंद कर लेता है, फौरन हाँ बोल देता है, फौरन निकाह के राजी हो जाता है। लेकिन जितना लेट होता जाएगा, 24 का हुआ तो अब वो जो है वो परखना शुरू कर देता, नहीं ऐसी नहीं ऐसी होना मुझे। 25 का हो जाता है, नहीं ऐसी नहीं ऐसी होना मुझे। 26 का हो जाता है, ऐसी नहीं ऐसी होना मुझे। 27 का हो जाता है, ऐसी नहीं ऐसी होना मुझे। जितनी उम्र बढ़ते जाती है उसके मेयार बढ़ते जाते हैं, जब मेयार बढ़ते जाते हैं निकाह मुश्किल हो जाता है। मेयार बढ़ते जाएंगे, उसके डिमांड बढ़ते जाएंगे, उसके भी मुतालबे बढ़ते जाएंगे, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, उसका रंग रूप बढ़ता जाएगा और डिमांड बढ़ने की वजह से निकाह मुश्किल होता है। दोस्तों, तो जितना जल्द हो सके निकाह करने की कोशिश करे। जल्द निकाह करोगे, जल्दी पसंद कर लेगा, जल्दी पसंद कर लेगा। एक बार अगर पसंद कर लेगा ना, फिर दोबारा किसी और पर नजर नहीं डालेगा इंशाल्लाह। तो निकाह को लेट करने की वजह से वो पसंद उसकी नहीं होते जा रही है और पसंद ना करने की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। और हमारे माशरे के अंदर निकाह के मुश्किल होने की वजह ये भी है कि बहुत से नौजवान चाहते हैं, बहुत सारे नौजवान नेक हैं, साले हैं, अच्छे हैं, बहुत ही परहेजगार नौजवान है, वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब्बो हमारा निकाह करा दो। कभी डायरेक्ट अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब्बू निकाह करा दो। कभी किसी दोस्त से निकाह जो है रिक्वेस्ट कराते हैं कि हमारे अब्बू से कह देना कि निकाह करा दो। नेक लड़के अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब्बू हमारा निकाह करा दो, अम्मी हमारा निकाह करा दो। हम जो है भटक सकते हैं, हम गुमराह हो सकते हैं, हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं। नेक बच्चे अपने माँ बाप से डिमांड कर रहे हैं कि निकाह जल्द करा दो, लेकिन बेहिस माँ बाप को समझ में नहीं आता। माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं बेटा, जब तक तुम 5 लाख जमा नहीं करोगे निकाह नहीं होगा तुम्हारा। वलीमे का खर्च जमा नहीं करोगे निकाह नहीं होगा तुम्हारा। जब तक जॉब पे नहीं आओगे निकाह नहीं करेंगे तुम्हारा। जब तक नहीं कमाओगे निकाह नहीं करेंगे तुम्हारा। ये नौजवान कहता है कि मौलाना हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, हमारे पास किराए के घर पड़े हुए हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ हमारे पास, किसी किस्म की कमी नहीं हमारे पास। हम चाहते हैं कि निकाह करके महफूज रहे, हम चाहते हैं कि निकाह करके हमारी इज्जत की हिफाजत करें, लेकिन हमारे माँ बाप निकाह नहीं कर रहे हैं। ये आज का नौजवान कह रहा है। दोस्तों, अगर ये माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, अगर ये माँ बाप अपने बच्चों को इज्जत वाली जिंदगी नहीं देंगे तो कल पछताएंगे माँ बाप। क्यों? इसलिए कि माल बड़ी चीज नहीं, दौलत बड़ी चीज नहीं, जॉब बड़ी चीज नहीं, सब जो है बेकार है। एक बच्चा अगर मुती होता है, एक बच्चा इज्जत वाला बनना चाहता है, एक बच्चा अपनी जिंदगी हिफाजत करना चाहता है, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका निकाह करा दो। गैर जरूरी उन पर कंडीशन न लगाओ। 5 लाख लेकर आओ तो निकाह करेंगे, वली में खर्च बर्दाश्त करो तो निकाह करेंगे, कंडीशन मत लगाओ दोस्तों। इसकी वजह से नुकसान हो रहा है और ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम ये दोस्तों। और इसी तरह आज हमारे माशरे के अंदर निकाह के मुश्किल होने की वजह यह भी है कि बेशुमार नौजवान लापरवाह है दोस्तों, लापरवाह है। उन्हें कमाने की फिक्र नहीं, उन्हें जॉब की फिक्र नहीं, उन्हें कुछ हासिल करने की फिक्र नहीं, उन्हें पढ़ाई की फिक्र नहीं, उन्हें कुछ करने की फिक्र नहीं, बस वो माँ बाप की रोटी तोड़ते जा रहे हैं। 25 साल का हो गया मुर्दा, लेकिन कमाने की फिक्र नहीं करता।
26 साल का हो गया ये बेहुदा, लेकिन कभी जात की फिक्र नहीं करता, बस माँ बाप की रोटी तोड़कर वो सुबह 11 बजे उठता है नवाब साहब, 12 बजे ब्रश करता है, 1 बजे नाश्ता करता है, 2 बजे घर से जो है ड्रेसिंग करके बाहर निकलता है, फिर शाम में 12-1 बजे घर को वापस लौट कर आता है। ऐसे लापरवाह नौजवानों की वजह से लड़की का बाप कहता है कि मुल साहब जिस लड़के के बारे में कह रहे हैं ना वो क्या कमाता है कि हम उसको लड़की दें, वो क्या काम कर रहा है कि हम उसको लड़की दें, वो क्या जिम्मेदारी संभाल सकता है कि हम उसको लड़की दें। हाँ बात सही है दोस्तों, लड़की के माँ बाप की बात सही है, वो अपनी बच्ची को 20 साल पालते हैं, वो अपनी बच्ची को 22 साल पालते हैं, 22 साल पालने के बाद एक बाप अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में कैसे दे सकता है जिसके पास कोई परवाह नहीं, जिसके पास कोई फिक्र नहीं, जिसके पास घर संभालने की ताकत नहीं, जिसके पास घर संभालने की सलाहियत नहीं, कैसे देगा बाप, कैसे देगा लड़की उसको। ये लापरवाह नौजवानों की वजह से निकाह में प्रॉब्लम होते जा रहा है। किसके बारे में आप कहेंगे कि ये लड़का अच्छा है इसे करा दो, जरा उठ के हाथ तो कर दो जरा, नहीं हो सकता है। किसी के बारे में गारंटी आप नहीं दे सकते आज के माहौल के अंदर। लापरवाही नौजवानों की वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है, बाप सोचने पर मजबूर हो जाता है दोस्तों। और निकाह ये मुश्किल होने की एक वजह यह भी है कि यहां पर निकाह से बेताल्लुकी का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अंदर निकाह से बेजारगी का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक जो है व्हाट्सएप में एक जो है एक इमेज घूमता रहता है, उस इमेज के अंदर दो मुर्गे हैं, इमेज में दो मुर्गे हैं, एक मुर्गा बालों वाला हट्टा कट्टा और एक मुर्गा बाल झड़े हुए पंख झड़े हुए दुबला पतला सुकड़ा ठहरा हुआ है। अब ये मुर्गे के सामने बिफोर मैरिज और ये मुर्गे के सामने आफ्टर मैरिज, ने ये शादी से पहले मुर्गा ऐसा है और शादी के बाद मुर्गा ऐसा हो गया है, यानी इस तरह की इमेज लाकर निकाह से बेजारगी, निकाह से दूरी पैदा की जा रही है। क्या करना, निकाह करके देखो कैसे हो रहा, ये मुर्गा देखो ये मुर्गा देखो। हाँ तो ये सोशल मीडिया के अंदर निकाह से बेताल्लुकी, निकाह से बेजारी का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम अकेले अच्छे हैं दोस्त, हम तन्हा अच्छे हैं, हम अकेले अच्छे हैं, ये माहौल पैदा किया जा रहा है जिसकी वजह से निकाह मुश्किल होते जा रहा है। दोस्तों अगर हम निकाह को आसान करना चाहते हैं, निकाह को आसान अगर करना चाहते हैं तो माहौल को दीनदार बनाना होगा, माहौल को दीनदार बनाना होगा। अगर दीनदार माँ बाप हैं तो वो जायज नहीं मांगेंगे, आसान से आसान से लड़की लेकर आएंगे। दीनदार अगर माँ हमारी है तो उसके रंग रूप को ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, देखेगी कि ये लड़की नमाजी है या नहीं, ये लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं, ये लड़की माँ बाप की बात मानती है नहीं, ये लड़की पर्दा करती है नहीं, ये लड़की जो है अखलाक वाली है या नहीं, ये देखिए कि अगर हमारी माँ ईमानदार है, हमारी माँ दीनदार है तो ऐसी लड़की को ढूंढेगी। अगर हमारी माँ दीनदार नहीं, हमारी माँ को दीन नहीं मालूम, हमारी माँ को हमारे बाप को दीन नहीं मालूम, तो फिर वो फैशन लड़की लेकर आएगी, वो लंबे लंबे बाल तलाश करेगी, वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें ढूंढेगी, वो जो है रंग रूप बड़ी जो है गोरा गोरा ढूंढेगी, वो देखेगी कि जो है इसके हाथ लकीरें कैसे हैं, वो देखेगी कि दांत इसके कैसे हैं, वो देखेगी कि पैर इसके कैसे हैं, वो चला कर देखेगी, पिटा कर देखेगी, हंसा कर देखेगी, बात करके देखेगी, नतीजे फिर पसंद नहीं आएगी, वापस लौट कर आ जाएगी। ये दीन ना होने की वजह से हो रहा है दोस्तों। अगर दीन हो जाए, मगर दीनदार माहौल हो जाए, बाप हमारा दीनदार, माँ हमारी दीनदार, बहन हमारी दीनदार, तो लड़की को आसानी से तलाश करके लेकर आएंगे। अगर दीनदार माहौल मेरे घर का नहीं तो फिर ऐसे वैसे वो रास्ते में ऊंची ऊंची हील वाली जो है वो एड़ियों वाली चप्पल पहनने वाली को पसंद करेंगे, वो सड़कों पर ही अच्छी लगती है, घरों में अच्छी नहीं लगती है दोस्तों,
वो बाजारों में अच्छी लगती है, घरों में अच्छी नहीं लगती है। वो मोहल्ले में अच्छी लगती है, अपने घरों में अच्छी नहीं लगती है। अगर दीनदार नहीं है तो ऐसे लड़कियों को लेकर अपने गले में लटका लेंगे दोस्तों। तो हमें माहौल को दीनदार बनाना होगा। दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया सारी की सारी नेमत है, ये तिजारत नेमत है, ये माल नेमत है, ये दौलत नेमत है, ये कारोबार नेमत है, ये जॉब नेमत है, ये बैंक बैलेंस नेमत है, सब नेमत है। इन सबसे बड़ी नेमत अगर कोई हो सकती है तो इंसान की जिंदगी में आने वाली नेक लड़की है, सबसे बड़ी नेमत है दोस्तों। तो माहौल को दीनदार बनाना पड़ेगा। और हमारे माशरे के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है कि भाई ये लड़का इससे मोहब्बत कर लिया, ये लड़की से मोहब्बत कर ली, मोहब्बत करने के बाद अब ये अपने माँ बाप को लड़का भी नहीं बोलता है, ये अपने माँ बाप को लड़की भी नहीं बोलती है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा निकाह करो, हाँ वो करेंगे ठहरो, हाँ में करेंगे ठहरो, हाँ में करेंगे ठहरो, यानी ये पेंडिंग में डालते जाता है। जिससे मोहब्बत किया ना उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। अभी लड़की उससे मोहब्बत कर चुकी है, बेटा जो है लड़का देखेंगे, हाँ मम्मी अभी जरा ठीक नहीं, अभी मन नहीं करता, थोड़ा और वेट करो, जरा और वेट करो, और तालीम करना है, और काम करना है, और काम करना है। ये दोनों के दोनों छुपा के रखते हैं, और जब ये ज्यादा जबरदस्ती करते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि हम उनको चाहते हैं, हम इनको चाहते हैं। इनको छोड़कर आप निकाह नहीं कर सकते, इनको छोड़कर निकाह नहीं कर सकते। मुल साहब उस लड़की से मोहब्बत कर लिया मैं, अगर हमारे अम्मा बाबा उससे निकाह नहीं करेंगे तो मर जाएंगे हम। ओ क्या बात है, साल दो साल तीन साल चार साल छुपा कर रखे ना, अगर होते ही अगर माँ बाप को बोल दिए होते कि हम उसे निकाह करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हल निकल जाता। माँ बाप हाँ कहते तो माँ बात आगे बढ़ जाती, अगर ना कहते तो तभी मोहब्बत खत्म हो जाती। लेकिन चार चार साल पांच पांच साल छह छह साल दस दस साल मोहब्बत को छुपा के रखते, आखिर में नहीं हुआ तो वो लैला मजनू तेरा परेशान परेशान फिरते रहते हैं। ये छुपा के रखना ये माशरे के लिए बहुत बड़ा नासूर बनते जा रहा है। वाजे करो, बोल दो अपने माँ बाप को उससे निकाह करना चाहते हैं। हाँ कभी ऐसा होता है कि बेटा कहता कि अम्मी मैं फुला लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, फुला लड़की आलिमा है, फुला लड़की जो है दीन काम कर रही है, फुला लड़की बहुत दीनदार है, उसके भाई मेरा दोस्त है, उसके जो है सारे के सारे एक्टिविटी में जानता हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ। अब ये बाप देखता कि हाँ वो गरीब लड़की शादी करता तू, वो जो है किराए के मकान में रहते, आसपास के मकान में रहते, सलम एरिया में रहते, वहां करता तू। इस तरह गैर माकूल तौर पर माँ बाप रद्द कर देते हैं। जो भी कहता है लड़का, जो भी कहती है लड़की, गौर करो, अगर वो डिमांड वाकई माकूल है तो हाँ कह दो, अगर माकूल नहीं है समझाओ, उसको तरबियत दो, उसकी काउंसलिंग करो, उसकी जान साजी करो, उसको जो है रद्द करने के बजाय, इनकार करने के बजाय, फोन को तोड़ देने के बजाय, घर में बंद करने के बजाय, लॉक करने के बजाय, मारने के बजाय, जलील करने के बजाय उसको काउंसलिंग करो, उसको समझाओ सही क्या है गलत क्या है, आप समझाओ। अगर आपकी बात नहीं समझता है, जिनकी बातें वो समझता है, जिनकी बातें वो समझती है, उनसे समझाओ, काउंसलिंग करो। मारना हल नहीं है, फोन तोड़ देना हल नहीं है, बंद करके रखना हल नहीं है, लॉक करके रखना हल नहीं है, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है दोस्तों। और इसी तरह आज हमारे माशरे के अंदर निकाह को आसान करने का, बिल्कुल निकाह को आसान करने का और बहुत सारे तरीके हैं, बस एक तरीका बताकर बात खत्म करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। भाई निकाह आसान करना चाह रहा है ना, तो इधर दो भाई दो बहनें, दो भाई दो बहनें, इधर दो भाई दो बहनें, अब ये भी अपने बहनों का रिश्ता लेकर ढूंढते रहते हैं, ये भी अपने बहनों का रिश्ता लेकर ढूंढते रहते हैं। इनको ना भाई, इनको ना लड़का मिलता, इनको ना लड़का मिलता, क्यों? ये भी लड़के की तलाश में है, ये भी लड़के की तलाश में है, ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, ना निकाह मुश्किल होते जा रहा है। अब हम कहेंगे लड़कियों के निकाह करने से पहले लड़कों का निकाह करो, लड़कियां खुद ब खुद निकल जाना शुरू कर देंगी। भाई ये लड़के हैं दो, दो बहने दो भाई आए, तो बहनों का निकाह पहले करो, बहनों का ये भाइयों का निकाह पहले करो, भाइयों का रिश्ता ढूंढने जाओगे या दो बहनें बैठी हुई मिल जाती, खलास इनका मसला हल,
ये भाई निकाह करने जाएंगे, यहाँ दो लड़कियां बैठी हुई, हाँ निकाह खलास। यानी दो बहनों का मसला हुआ, दो बहनों का मसला हल हुआ। पहले भाइयों का निकाह करो, बहनों का करने की जरूरत नहीं। भाइया कर लेंगे, वहां से लड़की निकलेगी, वहां से लड़की निकलेगी, यहां से लड़की निकलेगी। ये भी लड़का तलाश, वो भी लड़का तलाश, नतीब ना उसको मिलता ना इसको मिलता, न ये करना चाहता न वो करना चाहता, मुश्किल में आते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इंशाल्लाह, बहनों का निकाह करने से पहले भाइयों का करना। भाइयों को करोगे ना तो खुद ब खुद बहने उठती जाएंगी इंशाल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मसाइल को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माँ बाप की फिक्र खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।